इसराइल पर हिजबुल्ला दनादन हमले कर रहा है और इसकी वजह से लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों में इजरायली फौज चैन की सांस तक नहीं ले पा रही। जब तक आईडीएफ हिजबुल्ला के हमलों से संभलने की कोशिश करती है, उससे पहले ही हिजबुल्ला उसके ऊपर एक और हमला कर देता है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब आईडीएफ के लिए इन्हें संभालना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला बकायदा इसराइल पर मानसिक दबाव बनाने के लिए इन हमलों के वीडियो फुटेज भी जारी कर रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से उत्तरी इसराइल को दहला कर रख दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अविविम सेटलमेंट में आईडीएफ की एक बिल्डिंग पर हमला किया है और इस हमले के तुरंत बाद मनारा सेटलमेंट में भी एक ऐसी ही बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया गया। हिजबुल्ला के मुताबिक इन दोनों ही बिल्डिंग में आईडीएफ ने ठिकाना बनाया हुआ था। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने अदाथिर हाइट्स में आईडीएफ की सैन्य चौकी पर एक एयर स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्ला के मुताबिक यह हमला सुबह करीब 10:10 पर हुआ और इसके बाद शाम 3:55 पर हिजबुल्ला ने आईडीएफ की दो रणनीतिक ठिकानों रामथा मिलिट्री साइट और जिब्दिन मिलिट्री साइट पर सीधा हमला कर दिया। और इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने इन याकोव गैटोन और येहीहम सेटलमेंट में कत्यूशा रॉकेट्स का एक पूरा जत्था ही फायर कर दिया। वहीं इन हमलों को लेकर इजरायली न्यूज एजेंसी ने कहा कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक करीब 5,650 सैनिक घायल हुए हैं या फिर बीमार पड़ गए हैं। इन जवानों का इलाज कैली मेडिकल सेंटर ZIV हॉस्पिटल में चल रहा है। ये दोनों ही अस्पताल नाहरिया और साफेद में है। न्यूज एजेंसी ने इजरायली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हम 11 महीने से अंडरग्राउंड हैं और हम इस युद्ध का अंत नहीं देख रहे हैं। हमें 11 महीने तक अंडरग्राउंड रहने के लिए किसी ने तैयार नहीं किया था। ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण है।